हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई डीसी रेट भर्ती की। तो ये जो डीसी रेट भर्ती आई है, 5 प्रकार के पदों पर ये वैकेंसीज निकली हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ पर ये वैकेंसीज हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं, क्या क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है और कैसे अप्लाई करना है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे वीडियो के माध्यम से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जानकारी को जानने के लिए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल के कंटेंट को ज़रूर विजिट करें क्योंकि ये आपके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं आज का वीडियो शुरू। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो वैकेंसीज आई हैं किस डिपार्टमेंट में है। वो है आर्मी का जो एक यूनिट है 71 के नाम से, जिसको जाना जाता है, जिसका हेडक्वार्टर नॉर्थर्न कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो पंजाब में है। तो ये जितने भी नॉर्थ एरिया जो आते हैं, जैसे कि हरियाणा है, पंजाब है, उत्तराखंड है, ये हिमाचल प्रदेश है, तो इन सभी के लिए ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। इसमें क्या है कि कौन कौन सी वैकेंसीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सिविलियन मोटर ड्राइवर की वैकेंसी है, जो कि टोटल पोस्ट है यहाँ पे 27, 27 पोस्ट यहाँ पे निकली हुई हैं। उसके बाद व्हीकल मैकेनिक की एक पोस्ट है, उसके बाद है यहाँ पे व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट है जो कि एक वैकेंसी है यहाँ पे। फायरमैन की टोटल 3 पोस्ट निकली हुई हैं। इसके बाद है लेबरर, यानी कि जो मजदूर होते हैं या जो श्रमिक होते हैं, उनकी यहाँ पे 10 वैकेंसीज हैं और कारपेंटर की यहाँ पे 1 वैकेंसी है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इनकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो क्या रहने वाला है। पे मैट्रिक्स का लेवल 2 के अकॉर्डिंग जो सैलरी रहेगी 19,900 इन सभी पोस्ट में है। अगर हम लेबरर की बात करें तो वहाँ पे 18,000 और कारपेंटर की 18,000 रुपये जो है स्टार्टिंग सैलरीज में रहने वाली है। एज लिमिट आप देखिए 18 से 27 साल है सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए, व्हीकल मैकेनिक के लिए 18 से 25 साल है, फायरमैन के लिए 18 से 25 साल है और लेबरर के लिए 18 से 25 साल है, कारपेंटर के लिए 18 से 25 साल यहाँ पे एज लिमिट दी गई है। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज के लिए यहाँ पे 10th पास मांगा गया है। कम से कम 10th पास कैंडिडेट इन सब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद कुछ थोड़ी सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं, जैसे कि अगर सिविलियन मोटर ड्राइवर की बात करें तो 10वीं पास कैंडिडेट होना चाहिए, साथ में सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास होना चाहिए फॉर हैवी व्हीकल्स फ्रॉम DTO या RTO एंड 2 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग सच व्हीकल्स, ठीक है। यानी कि 10वीं पास होना चाहिए और सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास होना चाहिए, हैवी व्हीकल्स का हो सकता है या तो DTO से या फिर RTO से, ठीक है, और 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अगर हम व्हीकल मैकेनिक की बात करें तो 10th पास होना चाहिए, कैपेबल ऑफ रीडिंग नंबर एंड नेम्स ऑफ टूल्स एंड व्हीकल्स बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि जो टूल्स और टैकल्स होते हैं उनका नाम एटलीस्ट उसको पता हो और वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में उसको पढ़ सकता हो तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। फायरमैन के लिए 10वीं पास होना चाहिए और उसको जो फायर फाइटिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, साथ में इसमें हाइट भी मांगी गई है, 165 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट वहाँ पर होनी चाहिए। अगर हम लेबरर की बात करें तो सिर्फ 10th पास यहाँ पर मांगा गया है, किस कहीं से भी 10वीं अगर आपने की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कारपेंटर के लिए 10वीं पास मांगा गया है, थोड़ा बहुत कारपेंटरी की अगर नॉलेज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिटेल्स हैं एक पोस्ट की, सैलरी की, उनकी एज लिमिट और क्वालिफ़िकेशन। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वैकेंसीज हैं ये 2 साल के लिए अभी फिलअप होनी है, यानी कि जो डीसी रेट वैकेंसीज एक तरह से कह सकते हैं इनको हम, क्योंकि ये 2 साल का टाइम पीरियड यहाँ पर दिया गया है कि 2 साल के लिए ही आपकी जो है ज्वाइनिंग वहाँ पे करवाई जाएगी। फर्दर आपकी जो जॉब है उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, अगर रिक्वायरमेंट होती है तो एक्सटेंड कर दिया जाएगा, अगर रिक्वायरमेंट नहीं होती तो आपका 2 साल के बाद आपका जो जॉब है या जो नौकरी है वो चली जाएगी। ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि ऑल पोस्ट आर टेम्परेरी एंड विल बी परमानेंट सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, यानी कि सभी पोस्ट हैं वो टेम्परेरी हैं और फर्दर इनको परमानेंट किया जा सकता है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट 2 साल के बाद,
इन स्पेशल केसेस में 2 साल के बाद या फिर मैक्सिमम 4 साल के बाद इनको जो है वो परमानेंट किया जा सकता है, जो कि अभी श्योर नहीं है कि परमानेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, क्योंकि इसमें रिटन एग्ज़ाम होना है। रिटन एग्ज़ाम में आप देखिए कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड इसमें एग्ज़ाम होगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे और 2 आवर टाइम ड्यूरेशन इसमें रहने वाला है। तो जो कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उसके बाद उनका जो है मेडिकल करवाया जाएगा, एंड जो मेडिकली फिट होते हैं तो उनकी फाइनल ज्वाइनिंग यहाँ पे करवाई जाएगी। तो ये यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं। थोड़ा सा डीसी रेट भर्ती होने के बावजूद भी यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम मांगा गया है, तभी आपकी इसमें जॉब लग सकती है। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई का मैं इसमें एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखाऊंगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म का आपको फिल करके ऑफलाइन ही इसमें अप्लाई होने वाला है। तो उसको बाई रजिस्टर्ड पोस्ट, ठीक है, स्पीड पोस्ट या फिर ऑर्डनरी पोस्ट से आप भेज सकते हैं दिए गए एड्रेस पे। तो क्या एड्रेस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस एड्रेस पे आपको भेजना है। ये देखिए, ये इसका एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे, रजिस्टर्ड पोस्ट है या फिर ऑर्डनरी पोस्ट या फिर सिंपल पोस्ट से आप इसको भेज सकते हैं। एनवेलप पे आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, उसके बाद जहाँ पे जाएगा टू रिसेप्शन सेंटर, रिक्रूटमेंट सेल, बटालियन एमटी, नियर बर्फानी मंदिर, अपोजिट एसडी कॉलेज, पठानकोट, कैंट, पंजाब। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको भेज देना है। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म, जितनी भी जो फॉर्म अप्लाई करते हैं, जो दुकानें होती हैं जैसे बुक डिपो वगैरह, वहाँ से आपको ये इजीली मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसको ले लीजिए और इसको फिल करके इस दिए गए एड्रेस पे बाई ऑर्डनरी पोस्ट आपको इसको भेजना है। तो ये बेसिक डिटेल्स हैं इस भर्ती प्रक्रिया की। होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी आपका कोई कमेंट है या कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर इट डेफिनेटली। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। एक ऐसे ही नई वीडियो नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।